हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन. बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप, आई एक्सपेक्ट यू ऑल आर ऑल राइट, सेफ, सुरक्षित हैं आप लोग और घर पर ही हैं. एज यू पीपल कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड द वर्ल्ड, सब क्लोज्ड हैं. वी आर नॉट गोइंग कॉलेज, वी आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग, राइट? So from today onwards, we are instructed to take online lectures of your people, and you will continue your study online. नहीं पता कब तक, but today onwards we will start your lectures. जैसा आप 1 month हो चुके हैं, आप लोग third years में promote हो चुके हैं, 1 month से भी ज़्यादा हो चुका, I think so. तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सब पेंडिंग हैं, तो वो भी कवर अप कराने हैं. तो आई होप कि आप सब ऑनलाइन में, ऑनलाइन स्टडी में कोऑपरेट करेंगे और आपको समझ में आएगा. सो हियर आई थिंक माय वॉइस इज़ ऑडिबल एंड माय वॉइस इज़ आइडेंटिफिएबल फॉर यू ऑल, आई थिंक. अगर नहीं आ रहा होगा किसी को, तो माई सेल्फ शशि चौहान. And here I'm assigned for nursing research. Nursing research मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ आज. And see, nurse बेटा, आज तक हम लोगों ने जितने भी nursing में subjects पढ़े हैं, that all are like same, like pathology, like medical surgical nursing, for me that all are interrelated somewhere. But now what I'm going to teach is nursing research. This is quite different from other subjects. This is very different subjects in nursing also. It is कहीं से कहीं तक interrelate नहीं करता है, थोड़ा बहुत match करता है आपके thoughts. तो आप, मैं whatever I am telling, आपके पास तो भी books भी नहीं होंगे, you don't have your textbooks, आपके पास कुछ भी मेरे ख्याल से भी होगा नहीं घर पे पढ़ने के लिए. तो वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, जस्ट लिसन माई वॉइस, जस्ट अंडरस्टैंड मी वॉट आई एम टेलिंग यू. क्योंकि बुक्स नहीं, हेल्प नहीं मिलता है, तो आई एम गिविंग यू नोट्स, आप नोट्स को पढ़ो. और वॉट आई एम टेलिंग टू समझाने की मैं जो कोशिश कर रही हूँ, वो आप प्लीज़ समझो, कोशिश करो. क्योंकि वॉट एवर वर्ड आई विल यूज़ इन दिस रिसर्च ना, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स. तो कई चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, वो मैं आप लोग को रिपीट समझा दूँगी. बट मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप मुझे कोऑपरेट करें. कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे क्लियरली बताएं. एक्चुअली माई लेक्चर इज़ फ्रॉम आई थिंक 1:15 to 2:00, और आज मैं थोड़ी सी लेट हूँ. बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी ऑन टाइम. एंड मैं 1:15 को आपको लेक्चर्स पोस्ट कर दूँगी. यू विल रीड दैट लेक्चर, यू रीड दैट स्लाइड्स विद इन 1/2 hour. और लेटर ऑन 15 minutes का जो टाइम रहता है, उसमें आप लोग मुझे जो भी क्वेरीज होती हैं, वो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं. सो आई थिंक विल गो विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन. रिसर्च इन नर्सिंग रिसर्च, देयर इज डिफरेंट यूनिट्स. फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट विल बी डील बाय द प्रियंका मैम, एंड थर्ड यूनिट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज रिसर्च प्रॉब्लम. सी, this is the research problem, the word what it is telling. See, आप लोग ये मत सोचिए कि research problem, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी research के lectures लिए हैं, जितने भी classes में लिए हैं, I always ask कि what this mean, research problem. This is the one topic I am teaching you, research problem. So people means students always say कि madam, whatever problems we face during the research, that we call the research problem. बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है. सी, BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू पीपल, कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं. आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू पीपल, कि आप लोग समझेंगे कि मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ. रिसर्च प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट, कि जो रिसर्च में प्रॉब्लम आती है उसको रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. रिसर्च प्रॉब्लम वो होती है जो, जिस पे हमको रिसर्च करनी है, कि व्हाट रिसर्च वी वांट टू डू. सी, फॉर एग्जांपल, नाउडेज़ वी आर सफरिंग लॉट ऑफ वायरसेस ऑफ कोरोना, राइट? तो इफ़ यू वांट टू डू दिस स्टडी ऑन कोरोना वायरसेस, ऑन ऑनसेट ऑफ कोरोना वायरसेस, तो दिस इज़ योर प्रॉब्लम.
दिस इज़ योर प्रॉब्लम टू रिसर्च, तो दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। अब आप ये नहीं कह सकते हो ना कि आपको रिसर्च करने में जो प्रॉब्लम आएगी दैट वी कॉल द रिसर्च प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग मी? हमको रिसर्च प्रॉब्लम वो होता है जिसमें हम रिसर्च करेंगे, मीन्स देयर इज़ एनी प्रॉब्लम दैट वी नीड टू सॉल्व इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। सी, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन दैट रिसर्चर वॉन्ट टू आंसर, और ए प्रॉब्लम दैट ए रिसर्चर वॉन्ट टू सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द रिसर्चर एंड यू गेट एनी प्रॉब्लम लाइक दिस कोरोना वायरसेस, एंड यू नीड टू स्टडी अबाउट द कोरोना वायरसेस एंड यू नीड टू सॉल्व अबाउट दिस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम, तो दिस इज कॉल्ड दिस ओनली कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम, राइट? नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। यू विल लर्न, आगे आप पढ़ोगे कि रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। देयर आर 12-14 स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कि कैसे 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 रिसर्च किया जाता है। एंड आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप of research process. Selection of research problem depend on several factors such as, जैसे अब आपको, आप सारे थर्ड ईयर्स को, जब आप फोर्थ ईयर्स में आएंगे तो we people will divide you all on different different groups, कि आप लोग चलिए आप रिसर्च कीजिए। इन थर्ड ईयर्स आई एम गोइंग टू टीच यू थियोरेटिकल पार्ट। इन फोर्थ ईयर, वेन यू विल कम इन फोर्थ ईयर, हम लोग आपको ग्रुप पे डिवाइड कर देंगे। नाउ यू डू योर रिसर्च, तो आप लोग क्या करोगे? यू ऑल विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी योर इंटरेस्ट, कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस में आप स्किल्ड है। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को मैथ साइड अच्छा लगता होगा, किसी स्टूडेंट को एनाटमी अच्छा लगता होगा, किसी स्टूडेंट को सीटी अच्छा लगता होगा। तो आप लोग अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करेंगे, राइट? तो मैं क्या बता रही हूँ, आपको किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट होता है उस एरिया को आप सिलेक्ट करोगे। तो हमेशा रिसर्चर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखता है। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स सच एज रिसर्चर्स नॉलेज। सी, आप लोग को अब रिसर्चर बनने वाले हैं, आप लोग रिसर्च करेंगे, कहीं ना कहीं आपका नॉलेज अफेक्ट करता है वाइल दी सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आपको पुअर नॉलेज होगा तो आप उतने अच्छे से अपना टॉपिक सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। स्किल्स, यू डोंट हैव दैट मच प्रैक्टिकल स्किल, तो आप प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में आप जाएंगे ही नहीं रिसर्च करने के लिए, राइट? यू डोंट हैव इंटरेस्ट टू डू द रिसर्च, देन हाउ यू विल डू द रिसर्च? दीज आर द फैक्टर्स जो आप लोग को इन्फ्लुएंस करेंगे। एक्सपर्टाइज, यू डोंट हैव एक्सपर्टाइज, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप नहीं उतना अच्छे से कर पाएंगे अपना रिसर्च। यू वॉन्ट बी एबल टू सिलेक्ट दी रिसर्च प्रॉब्लम। मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। सो इट दिस वॉज अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द गुड रिसर्च स्टडीज नीड लॉट्स ऑफ टाइम। डेफिनेटली, अब यहाँ पर मैंने बोला गुड रिसर्च स्टडीज, लास्ट लाइन आप देखिए, इट इज़ बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द गुड रिसर्च स्टडीज नीड लॉट्स ऑफ टाइम फॉर सिलेक्शन। वट इट मीन कि देर आर गुड रिसर्च स्टडीज? सी, देर आर वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज हैपन इन दिस कंट्री, आइदर लेंदी आइदर शॉर्ट, और बहुत सारी स्टडीज होती हैं। तो इट मीन्स नॉट दैट गुड और बैड, इट मीन्स दैट स्मॉल स्टडीज, लॉन्ग स्टडीज, क्योंकि आप लोग जो करोगे दैट इज 6 मंथ स्टडीज। कई कई का ऐसा होता है कि 5 मंथ्स चलते हैं, 6 मंथ्स चलते हैं, ईयर्स चलते हैं, 6 ईयर्स चलते हैं। तो दीज आर द लॉन्ग स्टडीज। तो गुड रिसर्च स्टडीज मीन्स कि इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड इट वुड बी फिजिबल फॉर एवरी वन, इट वुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरी वन। दिस इज कॉल्ड द गुड रिसर्च स्टडीज। ओके, सो इट वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग देर आर वेरियस ऑथर्स गिवन द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सो फर्स्ट इज, ए प्रॉब्लम इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंस? वॉट इट मीन इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स लाइक क्वेश्चन फॉर्म। If you are asking a question, जैसे मैं पूछ रही हूँ आप लोग को कि आपने खाना खाया, इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म पे है। तो योर रिसर्च प्रॉब्लम
a problem is an interrogative sentence or a statement that asks what relation exists between two or more variables. वेरिएबल्स आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं. जब आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेकेंड यूनिट में, मैडम आपको डील करेंगी व्हाट इज़ वेरिएबल. द आंसर टू क्वेश्चन विल प्रोवाइड व्हाट इज हैविंग सॉट इन द रिसर्च. सी दिस डेफिनेशन इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू. आप केवल इतना समझिए, सेकेंड डेफिनेशन में यू विल बी क्लियर. सी ए सिचुएशन फॉर विच वी हैव नो रेडी एंड सक्सेसफुल रिस्पॉन्स बाई इंस्टिंक्ट और बाई previous acquired habit. We must find out what to do, that is solution can be found out only after an investigation. Another is telling a research problem is an area of concern where there is a gap in the knowledge base needed for professional practices. See, इतने तीन डेफिनेशंस आपने पढ़े हैं, उसमें से आप केवल इतना समझिए व्हाट आई एम टेलिंग यू. रिसर्च प्रॉब्लम इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न. जिस एरिया में आपको लगता है कि नीडेड है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग रंगवासा में रहते हैं. रंगवासा में बेटा ऐसे बहुत सारे माल नरिश्ड बच्चे होंगे जिनको माल न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर स्टडी करने की ज़रूरत है. जैसे HIV/AIDS अभी भी कई जगह फैलते हैं, आपको इस पर स्टडीज़, मतलब जो करेंट अफेयर्स हैं आपको उस पर स्टडीज़ करने की ज़रूरत है. तो दिस इज़ कॉल्ड द एरिया ऑफ कंसर्न. जैसे कोरोना वायरसेस, दिस इज़ द ओनली एरिया ऑफ कंसर्न. मतलब जहाँ पे कंसर्न की ज़रूरत है ना, ऐसे एरिया पे जाके आप लोगों को टॉपिक्स लेने हैं और आप लोग को स्टडी करने हैं. दिस इज़ कॉल्ड द रिसर्च प्रॉब्लम. ऐसे जगह से आपको अपने रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन. I hope you people are getting me what I'm telling you. Next is identification of research problem. अब आप research problem कैसे identify करोगे? सबसे पहले उसके लिए आप लोग को एक चीज़ समझना होगा, broad spectrum, narrow spectrum. आप लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं? चलिए आगे मैं पढ़ाती फिर शायद आपको समझ में आएगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस. जैसा मैंने बताया था, दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. जनरली ए ब्रॉड एरिया इज सिलेक्टेड एंड देन ए ब्रॉड टॉपिक इज डिलिमिटेड और नैरो डाउन टू स्पेसिफिक वन सेंटेंस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. ये तीन लाइन आपको ये बता रहा है कि जनरली हम ब्रॉड एरिया इज सिलेक्टेड. सी फॉर एग्जाम्पल यू आर मच मोर इंटरेस्टेड इन अपेंडिसाइटिस. ओके, सो अपेंडिसाइटिस इज वॉट? अपेंडिसाइटिस इज इन सिलेबस ऑफ थर्ड ईयर. आई थिंक आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, यू कैन से इन सेकेंड ईयर. इज अ सिलेबस बी एस सी नर्सिंग सेकेंड ईयर. ऑन बी एस सी नर्सिंग सेकेंड ईयर इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इट इज़ यूनिट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी. इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इट इज़ ए टॉपिक ऑफ अपेंडिसाइटिस. सी हाउ मच आई एम गोइंग स्पेसिफिक. हमने क्या लिया? ब्रॉड एरिया मीन्स इज नर्सिंग सब्जेक्ट, इज अ नर्सिंग, बी एस सी नर्सिंग सेकेंड ईयर. Then you are going to be specifying your medical surgical nursing. Again you are specifying that it is the gastroenterology subject units. Again you are specifying the appendicitis. Now in appendicitis you have interest on appendicitis, but you can't do the complete entire research on appendicitis. You need to specify your topic. Either you can take etiology portion or you can take clinical manifestation or any type of management. So this is called the specification of your statement. अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम टेलिंग यू. जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं तो हमें ब्रॉड एरिया से स्पेसिफिक होना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इंटरेस्ट है, मैंने अपनी PhD किया है एंटीनेटल वुमेन पे. एंटीनेटल वुमेन कितना एंटीनेटल केयर यूज़ करता है? एंटीनेटल वुमेन का मतलब होता है प्रेगनेंट वुमेन. तो मैंने क्या किया, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ब्रॉड हैं. उस ब्रॉड एरिया में मैंने केवल प्रेग्नेंट वुमेन को लिया है. ऐसा नहीं कि मैंने पोस्टनेटल वुमेन जो बेबी डिलीवर्ड कर दी उस वुमेन को नहीं लिया है, जो मदर कंसीव की है, जो प्रेग्नेंट है उन वुमेन को लिया है. तो समझ में आ रहा है, मैं स्पेसिफाई होकर स्टडी की हूँ.
देयर इज़ अ नीड ऑफ स्पेसिफिकेशन वाइल सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग मी? आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी. सो दिस वॉज अबाउट द स्पेसिफिकेशन. सी इन नर्सिंग रिसर्च बेटा देयर आर नो पिक्चर सो दैट मैं आपको ड्रॉ करके कुछ बता सकूँ. यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर नहीं आता है तो आई टेक सम एक्शन. मैं या तो कॉलेज आके आप लोग को पढ़ाऊँगी. इसमें जितना भी आप लोग को समझ में आता है यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, या फिर विल सर्च एनी मेथड, एनी अदर मेथड कि मैं आपको पढ़ा सकूँ. दिस स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एंड नीड्स लॉट ऑफ टाइम. रिसर्च प्रॉब्लम मे कम फ्रॉम सेवरल सोर्सेज. देर आर वेरियस सोर्सेज. नाउ आई एम क्लोजिंग दिस. यू टेल मी हाउ मेनी सोर्सेज यू कैन बी अंडरस्टैंडिंग. इतना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, आप मुझे इसमें से अपने दिमाग से सोचिए और बताइए क्या क्या ऐसा सोर्स आप लेते अगर आप रिसर्च करना चाहते तो. चलिए आई डोंट हैव दिस मच टाइम. अगर आप क्लास में होते तो मैं आप लोग से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछती. सो आई एम एक्सप्लोरिंग दिस सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. सो फर्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंसेस. पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्हाट अबाउट द पर्सन. सी इन योर डे टू डे लाइफ व्हाट टाइप ऑफ योर फीलिंग. सी अभी आप लोग घर पे हैं. चलिए व्हाट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट द हाउसवाइफ. Whatever you feel about the housewives or husband, whatever is your personal experience. If you want to do study, if you want to do research on that particular topic, you can do. It's called personal experience. जैसे आपने अपने personal experience था, जैसे you drive a scooter and you get accident. हर लोग accident नहीं होते हैं. कुछ नेग्लिजेंस के कारण ही एक्सीडेंट होते हैं. अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है दैट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, तो यू विल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स जो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किए. और यू आई कैन से दी अनदर एग्जांपल ऑफ दिस. डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च मे सर्व एज गुड सोर्स ऑफ आइडियाज टू फॉर्मुलेशन रिसर्च प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर ऑब्जर्वड डोमेस्टिक वायलेंस सफर्ड बाई वाइफ्स ऑफ एल्कोहलिक हस्बैंड. सी आपने अगर अपने लाइफ में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपने कहीं अगर देखा होगा कि देयर इज़ वन एल्कोहलिक हस्बैंड इज़ वायलेंस हर वाइफ्स, तो ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस जो आपने कभी फील किया होगा, यू कैन डू रिसर्च ऑन दैट आल्सो. दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल, व्हेन यू गो टू एनी क्लिनिक, तो वॉट एवर यू एक्सपीरियंस ऑन that clinical or that hospital, you can study, you can do research on that also. For example, if you went Medanta hospital and there you are watching or you are observing the implementation or working technique of nurses, and आपको ऐसा लग रहा है कि ये working technique कुछ नहीं suit कर रहा है. For example, medications. मेडिकेशन देती है एक सिस्टर, आके हाथ में लाके दवाई उनने दे दिया और ग्लास से पानी पिला दिया, तो दिस इज़ नॉट अ मेडिकेशन, प्रॉपर मेडिकेशन टेक्निक, राइट? तो आप इसमें रिसर्च करना चाहते हैं, यू कैन डू रिसर्च ऑन दिस. आपको आपको जिस भी टॉपिक्स में प्रैक्टिकल बेस्ड अगर आपको कुछ रिसर्च करना है तो दैट वी कॉल द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ लिटरेचर मीन्स, क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ लिटरेचर मीन्स देयर आर वेरियस लिटरेचर ऑन रिलेटेड दैट टॉपिक. जैसे आज कोरोना वायरस पे आपको स्टडी करना, ठीक है, यू विल सर्च वेरियस बुक्स, वेरियस न्यूज़पेपर, वेरियस मैगजीन, वेरियस जर्नल्स ऑन कोरोना वायरसेस. उस पे अगर आपको कुछ टॉपिक मिलता है जैसे प्रीवियस स्टडीज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम सोडियम नहीं देते हैं, राइट? आप सब जानते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम सोडियम नहीं देते हैं. इस पे आप आज सब गूगल करोगे तो आप देखना कितने जर्नल्स निकलते हैं. हर जर्नल्स को आप पढ़ोगे, हर मैगज़ीन को आप पढ़ोगे, तो उसमें आप उस
इसी को बोलते हैं क्रिटिकल अप्रेजल, क्रिटिकल रिव्यू। आप जितने भी प्रीवियस लिटरेचर हैं वो सबको पढ़ोगे, उसमें से आपको अगर कुछ टॉपिक मिलता है तो दैट वी कॉल द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर। इससे ये एक सोर्स होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की। आपको वहाँ से प्रॉब्लम मिल सकते हैं, आप वहाँ से प्रॉब्लम्स ढूंढ के रिसर्च कर सकते हो। प्रीवियस रिसर्च, अगर किसी ने पहले रिसर्च की, जैसे आपके सीनियर्स ने, मान लो आपके सीनियर्स ने कोई रिसर्च किया होगा डायबिटीज़ पे, तो आप उस पर डायबिटीज़ पे रिसर्च कर सकते हो, नॉट एन इशू, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये प्रीवियस रिसर्च हुआ। एग्जिस्टिंग थियोरीज, बहुत सारे थियोरीज, नाइटिंगल की थियोरीज बनी, ओरियम्स थियोरी, बहुत सारे थियोरीज बने हैं। आप उन थियोरीज को जब पढ़ेंगे तो आप उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगा, यू कैन डू विद दैट, यू कैन गो विद दैट। एंड नेक्स्ट इज सोशल इशूज़, बहुत सारे सोशल इशूज, मेन सोशल इशूज नाउ डेज, मेन सोशल इशूज इज पीपल आर नॉट गोइंग टू बी एट होम, सेल्फ क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं, ये एक सोशल इशूज़ हो गया। कोरोना इज़ ऑब्वियसली ए कॉमन इशू, बट अभी पीपल्स इशू किस पे बना रहे हैं कि वो सेल्फ क्वारंटाइन नहीं हो पा रहे हैं, घर पे अपने आप को कैद नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ बिकमिंग मेन इशूज़, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है आजकल, दिस इज़ द मेन सोशल इशूज़। तो आपको इस पर आप रिसर्च कर सकते हो। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स If there are two experts, two intelligent peoples, or more than two experts are discussing about one subject, and उसके बाद जो उसमें जो निष्कर्ष निकलता है, ऑन दैट यू कैन डू एनी रिसर्च। जैसे हम लोग पैनल डिस्कशन होता है, एक टॉपिक पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात करते हैं, इस कन्वर्सेशन में कुछ स्पेशल टॉपिक्स निकल के आते हैं, उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। इंट्यूशन, इंट्यूशन मीन्स कि इनर पावर, सम कुछ लोगों का होता है ना कि मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि आज ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो इंट्यूशंस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फोकलोर्स मीन्स लोक साहित्य, जैसे हमारी धारणाएं बनी हुई है ना कि फोकलोर्स की जो पहले धारणाएं कि ये, लेट मी सी द एग्जांपल ऑफ फोकलोर्स, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जांपल ऑफ फोकलोर्स, सी हाँ राइट, जैसे हम लोग बिलीव करते हैं ना कि अगर टेस्ट है, टेस्ट हो रहा है या फिर एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले नहीं पढ़ना चाहिए। इस धारणा, ये धारणा बनाया गया है कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले पढ़ने से माइंड वो ब्लॉक हो जाता है, तो आपको एग्ज़ाम के जस्ट पहले थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए। तो हमारी ये धारणा बनी हुई है, तो ये धारणाएँ तो हमारी ये धारणाएं बनी हुई हैं, तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड फोकलोर्स। एंड एक्सपोजर टू फिल सिचुएशन, एक्सपोजर टू फिल सिचुएशन मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू कम्युनिटी पोस्टिंग एंड देयर यू गॉट एनी टाइप ऑफ टॉपिक लाइक सर्वाइकल कैंसर और एनी टाइप ऑफ मेजर इश्यूज, तो यू कैन डू रिसर्च ऑन दैट। नेक्स्ट इज कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स, कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स मीन्स इफ़ यू आर, फॉर एग्ज़ाम्पल मी, इफ़ यू पीपल आर कमिंग टू मी, यू आर कंसल्टिंग मी कि मैडम विच टाइप ऑफ टॉपिक वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड टेक द फॉर द रिसर्च, यू कैन कंसल्ट योर एक्सपर्ट्स, द एक्सपर्ट्स विल सजेस्ट यू कि वॉट टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम यू शुड टेक। तो दिस इज अबाउट द कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। दिस वॉज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये इसका डिटेल है, यू कैन ऑल टेक, मैं ये सब शेयर कर दूंगी आप लोगों को, ये सब पूरा डिटेल्स है सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के, दिस आर द फोर क्लोज। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू फिल सिचुएशन, कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के। I think this 16th slide is enough for today. I hope you all are understanding. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। It is quite different. Again, I am telling you, it is quite different from other subjects. Try to understand. कोशिश करो पढ़ने का, समझो। नहीं आता है तो I am there. मैं आपके पास हमेशा हूँ। You can ask me any time, any question. I hope आप मेहनत करोगे, थोड़ा मेरी slides को go through करोगे, समझोगे, पढ़ोगे। So this was all about today. If any doubt,
You can ask me any, not any time, please. My time is 1:15 to 2 o'clock. Before 1:15 or around 1:15, I'll send you this slide every day. And you will ask me question after 15 minutes, 15 minutes पढ़ के आप मुझे जो भी queries होती हैं group में आप मुझे share कर सकते हो. Again, I'll say be safe, be at home, don't go anywhere, don't go out, and please study. जो भी slide I'm sharing you, बस study कीजिए. और अभी मैं share कर रही हूँ, कोई भी doubt होता है आप immediately मुझे पूछ सकते हो. Thank you students, thank you so much, bye.